अपनी हरकतों से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज एक समारोह में मंच से गिर गए। तोमर जब भाषण देने के लिए उठे तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वे मंच से नीचे गिर गए। प्रद्युम्न सिंह तोमर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है तोमर को अंदरूनी चोटें लगी हैं। खेल मंत्री यशोधरा राजे से भिड़ंत को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अभी सुर्खियों में हैं। गुरुवार को ग्वालियर मेला रोड स्थित उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भाषण देने के लिए उठे तो वह अपना संतुलन खो बैठे और मंच से नीचे आ गिरे। इस घटना में उनको कोई शारीरिक चोटें तो नहीं आई हैं, लेकिन अंदरूनी चोटों के कारण वह तत्काल उठ नहीं सके। कार्यकर्ता उनको उठाकर लिंक हॉस्पिटल ले गए। अरे हवा नहीं है, मैंने काय को बीच में आने पे चले यार, थोड़ा हवा आने दो। बढ़िया सब लोग घूमने के लिए कैमरा डालो, कैमरा इधर तो कैमरा घूमने के लिए डालो यार, भैया कार्यक्रम के लिए 10 फुट चौड़ा मंच बनाया गया था। मंचासीन अतिथियों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक सेजवलकर सहित करीब 25 लोग शामिल थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उद्बोधन के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भाषण देने के लिए खड़े हुए। इस दौरान स्टेज पर जगह कम होने के कारण वे संतुलन खो बैठे और मंच से नीचे आ गिरे। ऊर्जा मंत्री को नीचे गिरता देख तत्काल सभी नेता व कार्यकर्ता पहुंचे और उनको उठाया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इसके पहले भी अमृत योजना के दौरान दुर्घटना का शिकार होते होते बचे थे। उपनगर ग्वालियर में नाला निर्माण की गुणवत्ता परखने के लिए जब दीवार में पैर मारा तो वह अपना संतुलन खो बैठे थे। हालांकि तब उन्होंने खुद को संभाल लिया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।